तो भाई बहुत चलने के बाद फाइनली एक लिफ्ट मिला है। भैया हमें पिकअप किया है और भैया के जो भाई है उनको भी एक्चुअली देखना है वो बॉर्डर, तो हम सब के साथ में ही जा रहे हैं। तो इसीलिए सो मच भाई, भतीजा अलग से पटना में पढ़ता भी है अभी, तो उतना है डायरी में नंबर है, हम तो बहुत कम फैमिली भी। आप इधर ही रहता है? ओ असम नगमन बॉर्डर में रहता है, फैमिली इधर का ही हमारा मिजोरम। आप इधर ही रुपया चल रहा है ना आप साथ में? जाएगा गाड़ी लेके फिर वापस आएगा। हाँ चलो कोई बात नहीं, वहीं जाना है जहाँ आप लोग करेंगे वहीं। ठीक है ठीक है, थैंक यू भैया। तो ये अंकल कटिहार से हैं और कुछ मिल गया है, बाकी बच्चे लोग हैं। हेलो हेलो बाय बाय। यार फाइनली लिफ्ट जब मिली है तो बहुत राहत है, बाकी भैया के जो भाई है उनको भी देखना है वो जगह। अच्छा देख रहे ना, ये बर्मा बॉर्डर है और इसके पास म्यांमार है और ये अंकल भी कटिहार से हैं। तो अच्छा हुआ कि बिहार के लोग मिल रहे तो और भी अच्छा से इंफॉर्मेशन भी दे रहे कि ये वाला ना, ये वाला पहाड़ के पीछे सारा म्यांमार है और उधर वो सारा पड़ जाएगा, वो भी मतलब ये भी इंडिया का है, नागालैंड का है। हाँ ये सब नागालैंड का है और ये किनार किनार जो पहाड़ी है ना, हाँ वो जो पीछे वाला जो है किनारे किनारे, ये तो पूरा इंडिया का बोन डिस्ट्रिक का नारायण एक सबसे ऊंचा है, इसलिए देखिए सब नीचा दिख रहा है। ये हो गया आपको संग एरिया पड़ेगा, वो जो हिल्स है ना वो संग एरिया पड़ता है और यहाँ तक जो रोड है काइंड ऑफ थोड़ा पथरीला है और थोड़ा मतलब बन चुका है। इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ जितना पहले हुआ था, इतना प्रॉब्लम तो नहीं हुआ इधर आने के लिए। रोड मैं बोलेगा अच्छा ही है, अभी बन रहा है, बॉर्डर एरिया है, बनता है, टूटते रहता है क्योंकि बारिश का पानी देखो ये बहते ही रहता है रोड पे। तो स्टिल उस हिसाब से रोड बहुत अच्छा है जो हमने फेस किया है पहले। वेलकम यू एट इंडो म्यांमार बॉर्डर लोंगुआ। ये बड़ा जगह लग रहा है भाई, ये तो छोटे से छोटा सा। तो भाइयों और बहनों दोस्तों हम सब पूछना पड़ेगा पहले, वी कैन शूट द वीडियो आउटसाइड, वीडियो बना सकते ना? हम मुझे लाइक मजा आना चाहिए, हम चलो पहले अंदर में अंदर जूता खोल लेंगे। What's your good name sir? मेरा मॉड लागा नाम रोहित असे। उन्हें सो यू आर द अंग, नाइस टू मीट यू सर, नाइस टू मीट यू। सो ये अभी हम म्यांमार में है या इंडिया में है? अभी थोड़ा तो इंडिया में। अच्छा इंडिया में। Okay. The Ang itself has invited us inside the kitchen. और ये यहीं से चौका से बॉर्डर, ये चौका से बॉर्डर है। अच्छा मतलब इधर मैं इंडिया में, इंडिया में अच्छा सो आप लोग को एक्चुअली मैं यही सरप्राइज दे रहा था, हमने पढ़ा था एक आर्टिकल में कि एक घर है लोंगुआ में जहाँ पे सर रहते हैं और सर के घर
के बीच से ही ऐसे लाइन जाती है जो म्यांमार उस साइड है। मैं इंडिया में बैठा हूँ और सर अभी म्यांमार में बैठे हैं। तो यही सरप्राइजिंगली प्यारा सा है ये किचन किचन। तो मतलब आपका फैमिली सारा लोग फैमिली तो मतलब कि ये घर कब का है? ये 2016। हु आर द फर्स्ट अंग ऑफ दिस? आपके पहले फादर 10 जनरेशन। यू हैव अ ब्यूटीफुल हाउस। अच्छा घर है, ब्यूटीफुल। तो इधर किचन है। किचन तो लाइक यूजुअली पूरा नागालैंड में ऐसे ही होता है, ट्रेडिशनल किचन। ब्यूटीफुल हाउस। थैंक यू सो मच इनवाइटिंग। थैंक यू अंदर बुलाने के लिए। थैंक यू। तो व्हाट ये डिनर टेबल? डिनर टेबल खाना इस पे हाथ खाते। तो यही है जो आपको मिलवाना था। आंग और उनकी फैमिली। आंग यहाँ पे बोलते हैं किंग। और हर मतलब कि गांव में एक अंग होते हैं, तो इस गांव के लंगवा के हिस्सा है। 10 जनरेशन का सारा ये मतलब सामान भी सारा 10 जनरेशन। ये 10 जनरेशन का या अभी नया बना है? नया बना है 2016 में। तो घुमाते हैं आपको, थोड़ा घर का टूर भी कराएंगे, अभी थोड़ा बात करते हैं आपसे। और यही था आपको सरप्राइज जो देना था। और वेलकम टू इंडिया म्यांमार बॉर्डर। और आप एक ऐसे घर में हैं जहाँ पे बीच से लाइन डिवाइड करती है इंडिया को। दैट्स द बेस्ट पार्ट। तो भैया हाउज योर एक्सपीरियंस यहाँ तक आके? आप कैसा लग रहा है इतना मेहनत करके? इतना जो वी ट्रैवल लगता है लेट इन कम। तो आपको कैसा लग रहा है 3-4 दिन मेहनत करके इधर आने में? इसके लिए हम लोग 3-4 दिन से हम लोग लगातार ट्रैवल करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं और अब यहाँ फाइनली आ गए हैं। और यहाँ का ट्रेडिशन बहुत अलग है और बहुत डिफरेंट है बाकी कोन्या ट्रेल का। एवरीबॉडी इज हियर कोन्या सर। सर नाउ यू हैव अ वर्ड द थिंग। ये क्या क्या है? टाइगर के दांत। ओह एंड दिस हेड हंटर्स। तो गाइस हम अभी जो म्यांमार ये हॉर्नबिल का बीक है, बाकी ये स्किन आपको सारा मिथुन का है। एंड सर ने जो ये पहना है ना आपका, ये सब पॉज ये जितना है सब कैनाइन डिस्टिक कैनाइन है टाइगर टीथ का। और ये पहले का ट्रेडिशन था कि जब दे यूज टू ब्रिंग द हेड देन एक बैज मिलता था, वन अगर एक लेके आता था ये एक हेड लाते थे तो एक मिलता था बैज, एक बैज। ओके तो पहले का ऐसा था ट्रेडिशन दैट हेड हंटर्स यूज्ड टू गेट दिस। सर ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी, इनसे बातें हो रही हैं और चाय वाय भी साथ। आप चाय नहीं पीते? चाय पीजिए ना, अच्छा लगेगा मुझे साथ में। आप भी पियो अच्छा लगेगा मुझे। एंसेस्टर जो पिताजी थे उनकी 14 वाइफ थी और 40 किड्स थे जो सारे अलग अलग गवर्नमेंट जॉब या कुछ कर रहे हैं। बाकी जो रानी होती है उनकी ही जो वो होते हैं बच्चे होते हैं उनको राजा या का वो मिलता है। तो सर की 2 वाइफ हैं और ये घर उन्होंने 2016 में रेनोवेशन किया है। और ये सब
यहाँ पे जितने भी हैं ना एंटिक्स, ये इन्होंने हाथ से ही बनवाए हैं और ये सब यहाँ पे आप ख़रीद भी सकते हैं और इसको मतलब ख़रीद के आप लोग ले भी जा सकते हैं। और चीज़ बताया है कि 4 विलेज बस यहाँ पे है इंडिया में, बाकी 30 विलेज इनका म्यांमार में ही पड़ता है, मतलब बर्मा बॉर्डर के उस साइड ही पड़ता है, उस साइड इनका आना जाना है ओके है, इनके लिए कोई वो नहीं है क्योंकि ये तो ऑब्वियसली इज़ द आर्म ऑफ द दिस प्लेस। तो 30 विलेज बर्मा साइड में है, तो आई थिंक 1/4 भी नहीं, इससे ज़्यादा ही आपका पार्ट उधर बर्मा साइड में है जो इनके वो मतलब कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी में आते हैं। 1-2 सितंबर मार्च 1-2 सितंबर लास्ट नो नो आंटी उसके बाद कर सकते हो। मार्च 1 से लेके सितंबर एंड तक हंटिंग अलाउड नहीं है, बाकी सितंबर के बाद मतलब अक्टूबर से लेके फरवरी के लास्ट तक हंटिंग कर सकते हो ओके, मतलब ठंडे में विंटर्स में। ये इलेफेंट, ये असली है, ये असली है, ये इलेफेंट था ये ओ बाप रे, ये एलिफेंट का दाग, ये पिताजी है, ये कौन हंट किया पिताजी? नहीं नहीं नहीं, ये सेंचुरी गया, पुराना है बहुत, तो मतलब मिला था या आपका एंसेस्टर हंट किया? मिला मतलब एंसेस्टर से मिल गया आपको, तो पता नहीं इनको, मगर ये देख लो एक दांत है ना ये, तो ये हाथी कितना बड़ा होगा सोच दो, इसका दांत बताओ तो ये 2 मीटर से ज़्यादा, 2 मीटर होगा कम से कम, ये गोपरों में पता नहीं चल रहा। ये मिथुन देख रहे हैं, मिथुन सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पायलट सीट, पायलट सीट मतलब क्या वो प्लेन से कूदा? अरे वाह क्या क्या जमा करके रखा है सर ने, ये आपको मिला तो ये जैसे पैराशूट से ऐसे निकला होगा। अच्छा आपके जगह में मिला, गांव में बर्मा में? माने बहुत ही तो लोहा लोहा भरा भरा तो है अभी भी। अच्छा ये तो बहुत भाली है ना। अच्छा ये तो हल्का है, मतलब एयर उधर प्लेन का और भी पार्ट पड़ा हुआ है और ये वाला सीट पर है, तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक प्लेन जो क्रैश किया है ये बर्मा में, उसका ये चेयर है और कोई ये सब भी मिथुनी है, सब मिथुन ना, ये बफेलो, बफेलो। अच्छा ये बफेलो, बाप रे पहले ज़्यादा बड़ा होता था ना, अब छोटा, ये इसकी सींग यहाँ से यहाँ तक जा रही है, तो मिथुन भी इतना ही है, इतना ही है ना, पहले का मिथुन बफेलो मतलब देख के। ओ ये सब डियर, डियर हिरन ना, बड़ा वाला ना, हाँ ये लड़का को तो ऐसे सिंग है ना, हाँ माँ को तो ये फीमेल डियर्स, और ये तो वुड का बना हुआ है और बाप रे ये भी मिथुन है, बियर ऊपर बियर, बियर बियर भालू, भालू भालू ये भालू का स्कल, और ये सब हिरन, ये इनके फादर यंग एज में, ये पुराना वाला घर पीछे, ये टाइगर छोटा टाइगर छोटा टाइगर पहले जंगल में बहुत मिलता था ना, अब तो अभी इधर अभी है, इधर जंगल भी है, भी है लेकिन माना कर रहा है, हाँ अब हंटिंग अलाउड नहीं बट है टाइगर है, मौन से
पहला तो आजकल तो मोबाइल फोन है ना, पहला तो और आवाज सुनेगा तो लोमा में क्या है, आग मोरा है ना क्या है ऐसे पूरा, तो ये बजाने से समझ जाता था कि इधर अंग बुला रहा है या जो भी हो रहा है। नमस्ते, ये टेबल टेबल नहीं है तो अंग मरने से डेड पाती जा रहा है। अच्छा, इस पे अंग मरेंगे तो इस पे डेड बॉडी इस पे रखाएगा, फिर उसके बाद उसके बाद बॉडी किया जाएगा मतलब कॉफिन में। अंग का स्पिरिट ना टाइगर है इसलिए तो इस पे पहले बॉडी को रखेगा उसके बाद जाके बड़ी करेगा। अच्छा, तो ये वाला जो है तो इसको क्या बोलते हैं? गोखुन। इसको बोलते हैं गोखुन। और इस पे जब कोई मतलब कि जो भी किंग है यहाँ के, अगर वो डेड मतलब मर जाते हैं तो उनको इस पे लिटाया जाएगा, उसके बाद उनको बड़ी किया जाएगा। ये नागालैंड सीएम है, सीएम वो उसे बना है, अभी है, अभी भी है, अभी भी ये एमपी में गया तेम में बना है। अच्छा। ये आप हो ना? आज तो एमपी से वापस आए के सीएम बैठा है। अच्छा अच्छा। तो इधर से मतलब हॉर्नबिल में आप लोग जाते हैं, हॉर्नबिल फेस्टिवल में जाते हैं, कोन्याक ट्राइब में आप लोग रहते हैं? गेस्ट अपीयरेंस कभी कभी, डेली तो नहीं गया, ये हर बार नहीं जाता, कभी कभी मतलब जाता है। यहाँ तो कोई वीआईपी आएगा। अच्छा, तो इधर बैठ के खाते हैं। This is amazing, isn't it? चलिए, बहुत अच्छा लगा, और भी कुछ अपडेट होगा तो बताते हैं। बाकी आपको घर तो दिखा ही दिया है, इतना प्यारा घर है और इतनी सारी चीज़ें हैं यहाँ से जुड़ी हुई पुरानी कि ज़रूर आके देखिए यार, खुद से आके देखोगे तब पता चलेगा ये सब चीज़ें, ये सब ट्रेडिशन जो आपको अभी कहाँ हम लोग कुछ पता है किंगशिप एंड सब चीज़ के बारे में, ये सब ट्रेडिशन आपको यहाँ पे आके नागालैंड में देखने को मिलेगा। इधर इंडिया है, इधर म्यांमार है, और हम अभी बिना पासपोर्ट के म्यांमार में बिना पासपोर्ट बिना वीज़ा के म्यांमार में घूम रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं खुले आम। तो ये है यहाँ की ब्यूटी, यहाँ से अगर दिखाएं आप इतना ब्यूटीफुल दिखता है। तो ये सारा म्यांमार सारा ये लोंगवा का खेती है। तो इसके आगे मतलब वो जो दिख रहा बस्ती वो म्यांमार में है, हमारा छोटा सा, तो वो बर्मा में है, इधर बर्मा है ना, बर्मा है। तो वो सब बर्मा है, तो हम लोग अभी जहाँ खड़े हैं सब म्यांमार है। और आर्मी का कैंप का उधर आगे आर्मी कैंप उतरे हैं उधर उधर आर्मी। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छे जगह रहते हैं आप सर। म्यांमार का तो और बेंटिंग दिखे ना उतरे म्यांमार कैंप, वो जो दिख रहा उधर वाइट वाइट म्यांमार आर्मी कैंप वहाँ ना, तो म्यांमार आर्मी का कैंप वहाँ है जो दिख रहा है। बाकी म्यांमार स्टार्ट यहीं से हो जाता है, फ्रॉम देयर आई कैन उनको बेटर व्यू आता होगा बर्मा बॉर्डर का। तो ये सर के जो पिताजी हैं उनके ब्रदर का है, भाई का, और ये पिताजी का है सिमेट्री। एक ब्यूटीफुल सा घर है जो ये सर का है, और यहाँ से फिर देखते हैं अभी रहने का कुछ स्टेटस देखते हैं, यहाँ पर निकलने का क्या है प्लान, उसके बाद अपडेट करते हैं। बाकी सर ने बहुत अच्छे से समझाया सब कुछ, तो थैंक यू सो मच सर इतने अच्छे से बताने के लिए सब कुछ। तो यही है, बाकी
चलते हैं कुछ खाते पीते हैं। भूख बहुत लगी हुई है, खाना कुछ खाया नहीं। और इधर भी कुछ कुछ बन रहा है इंडिया साइड में। ये पूरा गांव अभी आता ऐसा डिवाइडेड होगा म्यांमार और इंडिया ऐसा। सो दिस इज इम्पल्स एनजीओ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, जो ये लोग मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड के फाइनेंस इनका, और दे आर लाइक ये लोग फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, या फूड वैन है ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सारे रिमोट एरियाज में। तो दिस इज इट, क्योंकि इधर कोई क्यूट क्यूट से बच्चे हैं लोग। दिस इज द लाइक अवेयरनेस दैट दे आर डूइंग। जो मेरा पॉइंट था कि मुझे लिफ्ट चाहिए, तो आई गेस शी वुड बी गिविंग अस द लिफ्ट टिल मॉन। तो मॉन के आगे हम लोग फिर देखते हैं क्या कर पाएंगे। तो मॉन से तो आई गेस सिक्किम का फिर रास्ता, आई मीन असम का रास्ता फिर निकल ही जाता है। वी विल ट्राई टू डू दैट, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। अबाउट नागालैंड, ट्रूली अमेजिंग, इतना अच्छा हॉस्पिटैलिटी एवरीथिंग। आप तो ब्लॉग में देख ही रहे हो कितने अच्छे अच्छे लोग मिले हमें, और बहुत अच्छा लगा यार। अब ये सीरीज़ एंड होने वाला है तो थोड़ा ख़राब भी लग रहा है और अच्छा भी है, क्योंकि हो गया यार काफ़ी दिन घूमे। और अब चलते हैं, अच्छा नॉर्थ से मतलब साउथ से नॉर्थ तक पूरा नागालैंड को नाप दिया है मैंने, तो इट वॉज़ अ रियली गुड एक्सपीरियंस। बाकी हम नीचे चलते हैं और भाई से बात करते हैं, खाना खाते हैं, क्योंकि उनको अभी तो टाइम लगेगा, उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे इनके साथ। तो भाई टाइम हो चुका है, अभी 2 बजने वाला है। कुछ तो खाने को मिला है, नूडल्स, तो वेट कर रहे हैं, आगे खाते हैं और ऊपर वापस आ जाएंगे। एनजीओ वाले के साथ ही भागने का प्लान है। हम लोग कहाँ हैं देखो, नागालैंड हम लोग फ्लाइंग के इस साइड है। अभी हम लोग म्यांमार में जीपीएस के हिसाब से देखे तो बिहार नहीं जानता, बिहार 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 जानता है, नागालैंड बिहार, मैं बिहार से आया। आपका ये अच्छा लग रहा है, अच्छा है ये हेड हंटर? हाँ नहीं समझ रहे, पता नहीं कंफ्यूजन है मेरे को भी। और लाइक बोलते हैं कि हेड हंटर टैटू बनवाते हैं अपने, जबकि उस पर जब मतलब हुआ हेड हंट करते हैं तो। बाकी वो देखो पूरा कितना बढ़िया। तो ये है यहाँ का लॉन्गवा का चर्च, और यहाँ ऊपर में है किंग का हाउस। तो चलिए भाई, टाइम हो गया है, 3 बज चुके हैं और अब यहाँ से निकलने का टाइम हो चुका है लॉन्गवा गांव से। आपको दिखाया सब कुछ, किंग का पैलेस, जो कि सरप्राइज था। आपको कैसा लगा सरप्राइज ये बताना। बाकी यहाँ का बेस कैंप है, और अभी यही भाई लोग के साथ जा रहे हैं जो हम लोग को पिकअप किए थे। और क्या पानी है, है एक बार, तो यही है, चलते हैं अब मॉन के तरफ, देखते हैं भाई शायद आसाम तक जाएंगे, तो कोशिश करेंगे आसाम तक पहुँच ही जाए ताकि कल गुवाहाटी। और देखते हैं अगर रास्ते में कुछ होता है, नहीं तो ब्लॉग को आगे चल के एंड भी कर देंगे। और ये नागालैंड सीरीज, ये था मेरा फाइनल डेस्टिनेशन नागालैंड के लिए। इसके आगे प्लान नहीं है मेरा कुछ आगे करने का, बल्कि नागालैंड ऑलमोस्ट साउथ से लेके नॉर्थ तक एक्सप्लोर कर ही लिया है। बाकी कुछ कुछ बचा होगा तो कभी और आएंगे और एक्सप्लोर करेंगे। Thank you.
काफ़ी ओवरलोड हो गई है, तो हम लोग सामान आता उधर उतारे और वापस उठा के गाड़ी में डाल रहे, पता नहीं अंकल से उठाया नहीं उठा देखता है अंकल क्या कर रहे हैं। बैठ गए अंकल तो तो भाई 3 दिनों के बाद फाइनली अनाज मिला। क्या मिला है? चावल मिला भाई। चावल 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 खाए फाइनली, चावल फाइनली चावल मिला है। थैंक यू आप लोग। दारू भी नहीं मिला है, बिहार में सब कुछ बैन है, गुटखा भी बैन है, दारू भी बैन है। तो फाइनली अभी ये कौन सा जगह है? कोई मई में हम लोग रुके हैं एक लाइन होटल पे और यहाँ पे फाइनली खाना मिल चुका है। जाने वाला ये तो आजकल ये होटल भी पहले वो भी नहीं मिलता था। 3 दिन 4 दिन से चावल ढूंढ रहा है, चावल चावल मिल गया। नेपाली आंटी के दुकान में मिल गया। तो कितना दूर और रहेगा? आप यहाँ से पकड़े एक घंटे 14-15 किलोमीटर और है, फिर हम लोग का रास्ता अलग हो जाएगा। सर हम लोग को यहाँ तक छोड़ दिए, बहुत धन्यवाद। नहीं तो अभी हम लोग उधर ही अटके रहते हैं किंग के घर पे। सबसे बेस्ट बात है कि यहाँ फैमिली साथ में रह के और साथ में खाना बना रही है, तो ये बहुत घर का खाना है, एकदम घर का, तो बहुत अच्छा है। बाकी आइए यहाँ पे और एंजॉय कीजिए फूड। अगर आप इस रास्ते से क्रॉस करते हैं तो 24/7 खुला है। 24/7 खुला है, तो कभी भी आइए। तो भाई हम लोग एक जगह पर लास्ट छोड़ के चले गए अंकल हमें, और यहाँ पर हमने कैंप लगाया और हमारी बॉडी से बस कीड़े कीड़े निकल गए जो उनके गाड़ी से हमें ऐसा था। बाकी अभी एंड करते हैं व्लॉग को यहीं पर, कल मिलते हैं आपसे सुबह। अभी हम लोग हैं आसाम उस साइड में है, और इधर में ये नागालैंड, और ये ब्रिज है जो, और ये रिवर है यहाँ पे जो डिवाइड कर रही है। और हमने कैंप लगाया था रात में, आपको दिखाते हैं कैंप। उधर पुलिस का एरिया है इसलिए कैंप से दिखाएंगे। बाकी ये वाला यहाँ से आपका डिवीज़न है, इसको कहते हैं सोनारी ब्रांच, मतलब सोनारी आ जाता होगा इधर से जाने के बाद। कि यहाँ है रिवर और ये है ब्रिज, और यहाँ आज मार्केट लगने वाली है, फ्राइडे मार्केट। तो चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, एंड दिस इज़ द नागालैंड सीरीज़, और यहाँ से नागालैंड का पार्ट ख़त्म और असम अब स्टार्ट हो जाएगा। ये रहा हमारा कैंप जो हमने लगाया था रात में, जस्ट अपोजिट टू पुलिस चेक पोस्ट जहाँ नागालैंड का बॉर्डर है। चलिए थैंक्स टू नागालैंड पुलिस जो उन्होंने अपने सामने रखा हम लोग को, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी अभी सामान निकालते हैं अंदर से, टेंट को पैकअप करते हैं और चलते हैं आगे। तो भाई हमारे पीछे नागालैंड ख़त्म होता हुआ, और बाय बाय नागालैंड, सच अ गुड हॉस्पिटैलिटी एंड एवरीथिंग। और अब हम लोग एंटर कर चुके हैं असम में, और भैया आगे आगे छोड़ दो, सोनारी तक छोड़ देंगे भैया। सोनारी गुवाहाटी का गाड़ी उधर चलता है सोनारी से, डायरेक्ट नहीं मिलेगा। शुक्रिया भैया यहाँ तक छोड़ने के लिए हम लोग को, और
अब यहाँ से हम लोग को देखते हैं गुवाहाटी तक का सफर बस से या कैसे मिलता है। तो भाई मोरान टाउन से हम लोग को लिफ्ट मिल गया था, ये भैया ने लिफ्ट दिया है। बाकी अभी ये भैया जाएंगे जोरहाट तक, तो जोरहाट के बाद देखते हैं क्या करना है। जोरहाट से अराउंड 3 घंटा लगेगा जोरहाट जाने में, जोरहाट के बाद देखते हैं। और गुवाहाटी ज़्यादा दूर तो नहीं होगा, ऐसा होगा 300 किलोमीटर है ना। लोग काम कर रहे हैं पूरा टी गार्डन में, टी गार्डन भरे पड़े हैं। और यहाँ की गाय पता नहीं इतनी छोटी छोटी क्यों है, खाना इतना खाती है फ्रेश फ्रेश फिर भी छोटी है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बस बस। और खाना भी आ गया इसी के साथ, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। अभी हमें जो लिफ्ट मिली थी वो यहाँ बीच में लगे स्पीड में एक राइनो है। ये गोप्रो से तो इतना क्लियर नहीं दिख रहा, बट इस जगह पे एकदम इस पॉइंट पे ये सूखा वाला पेड़ है ना, सूखा वाला पेड़ के जस्ट राइट में जो है छोटू सा एक राइनो दिख रहा है। बाकी और इस वाले जा रहे हैं। धन्यवाद।